ललितपुर जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार परिसर में ई ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया गया। ललितपुर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने पहली फाइल अपलोडिंग के कार्य की शुरुआत की। एक माह के प्रयास के बाद ललितपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में ई ऑफिस प्रणाली लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि ललितपुर प्रदेश का दूसरा जिला है जहां इतने कम समय में ई ऑफिस प्रणाली लागू की गई है। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा के तहत अब शासकीय कार्य पेपरलेस हो जाने से पारदर्शिता के साथ कर्मचारियों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने में सहायक होगी। ई ऑफिस एक तरफ तो ट्रांसपेरेंसी लेके आता है कि फाइलों के मूवमेंट में किसी अधिकारी के पास ज्यादा समय तक फाइलें अगर रुकी है तो वो भी दिख जाती है, और दूसरी तरफ कार्य प्रणाली में एक ऐसा सुधार लाता है जो कर्मचारियों के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम कलेक्ट्रेट ऑफिस में जहाँ पे इसको लागू करके उसको सस्टेन करेंगे, और जो जनपद के अन्य प्रमुख ऑफिस हैं चाहे वो पुलिस विभाग के हों या फिर विकास भवन से संबंधित हो, उनमें भी जल्द लागू करें।